फरीदकोट जिला से संबंधित मशहूर लेखक साहित्यकार गुरदयाल सिंह का आज निधन हो गया है। साहित्य जगत में अपनी विशेष जगह रखने वाले गुरदयाल सिंह कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। पंजाबी साहित्य जगत के पितामह कहे जाने वाले नॉवलकार नानक सिंह भी इनके लिखे नॉवल मढ़ी द डीवा से बहुत प्रभावित हुए थे। इस मौके पर गुरदयाल सिंह के दोस्त गुरमीत सिंह ने कहा कि इनकी साहित्य जगत में एक अलग ही पहचान थी। इनके नॉवल मढ़ी द डीवा और अध चांदनी रात दुनिया भर में मशहूर थे। मढ़ी द डीवा रूसी भाषा में अनुवाद होकर रूस में ही इसकी 25 लाख कॉपी बिकी थी और रूस की सरकार द्वारा सोवियत यूनियन नेहरू पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा अध चांदनी रात नॉवल के लिए पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा और भी अनगिनत पुरस्कार मिले, लेकिन इनमें से पद्मश्री और ज्ञानपीठ इनकी जिंदगी के सबसे बड़े पुरस्कार थे। गुरदयाल सिंह पंजाबी के सर्वोत्तम नावलकार से। उन्होंने पहले नावल मढ़ी दे दीवे बारे साढ़े सब तो व्डे पितामा पंजाबी नावल के सरदार नानक सिंह नावलिस्ट ने लिखा है कि यह नावल पढ़ के मैं नशा दे सारी जिंदगी जी रचना रची वो दबे कुचले लोगों वास्ते लोगों के हिमायत में लिखी। उन्होंने साहित्य अकादमी के अवार्ड भी मिले। पंजाब का कोई अवार्ड नहीं जिहड़ा सरदार गुरदयाल सिंह नूं नहीं मिले। भाषा रूसी भाषा में मढ़ी दा दीवा ट्रांसलेट हो गए 25 लाख दे करीब विकिया उत्थे ते उत्थों दी सरकार ने नहरू सोवियत यूनियन नहरू अवार्ड इन्हां नूं दित्ता सी ते उहदे ते इह 15 दिन उन्हां दी सरकार दे खर्च दे रूस दी यात्रा करके आए सी। ज्ञानपीठ अवार्ड तो बहुत वड्डा है, सारी दुनिया इस गल नूं जाणदी है ते पंजाबी विच केवल दो इस दे माण हासिल है जिन्हों मिले है। अमृता प्रीतम वो कविता दे सीगे ते ए 18 साल बाद अमृता प्रीतम तो बाद इन्हों मिले है ते अज तक केवल दो साहित्यकारां नूं पंजाबी दा ज्ञानपीठ अवार्ड मिले पर सरकार पद्मश्री भी इन्हों मिले सी। गुरदयाल सिंह का अंतिम संस्कार इनके गांव जैतो में 18 अगस्त को होगा। साहित्य जगत में इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। फरीदकोट से नरेश सेठी की रिपोर्ट।